मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए एचयूएल पर, ट्रेड करा 2485 पर, स्टॉप होगा 2470, टारगेट 2510 एचयूएल। एचयूएल पर बाय करना है, ये गावा सर का पहला क्विक सिंगल। सचिन आपका क्विक सिंगल? अरुण जी थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, डिफेंसिव पे बेट करूंगा, बट मुझे लग रहा है फार्मा में वापस डॉक्टर डीज में जिस तरीके से एक पुल बैक मिला है, 5500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छा डिमांड जोन बन रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। डॉक्टर एडीज के फ्यूचर अभी 5495 के आसपास ट्रेंड हो रहे, स्टॉप लॉस आप 5450 पे लगाएं। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 5580 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 5680। ओके सचिन जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर डॉक्टर एडीज पिक करते हुए, मानस आप क्या पिक करेंगे? विरेन जी मैं थोड़ा वेट करूंगा, 10 मिनट वेट करके रिकमेंडेशन देना चाहिए सबसे। टेक योर टाइम, ये भी अच्छी रणनीति है और ये इटसेल्फ एक ट्रेड है, याद रखिएगा। राजेश सतपुते जी, आप आपकी राय क्या चीज कर रहे हैं आप, शॉर्ट लॉन्ग? विरेन जी गैप डाउन होने के बाद शॉर्ट करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि जनरली इनिशियल वोलेटिलिटी के बाद बाजार संभलने की कोशिश करता है, दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व नाउडेज, जैसे अनुज ने भी कहा, तो लॉन्ग की चेष्टा करूंगा। देखिए इसमें से एक स्ट्रक्चर जिसका कल भी जिक्र किया था वो है बिरला सॉफ्ट। अगर आप कल का स्ट्रक्चर देखें तो कल यहाँ बिरला सॉफ्ट में एक ब्रेकआउट मिला था, आज एग्जैक्टली उसी लेवल पे खड़ा है, 490 एंड 494 ये इसका सपोर्ट होने, तो बिरला सॉफ्ट हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 485। मेरे हिसाब से इसका जो कल का टारगेट हमने एक दिया था पहला 505 510, कल का हो गया, लेकिन आज मुझे लगता है नया टारगेट हम रखेंगे 520 से लेके 525, तो नजर रखेंगे बिरला सॉफ्ट पे, बीसॉफ्ट पर नजर रखेंगे। बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे अब 43,985 और निफ्टी भी अब 135 पॉइंट नीचे, तो डिक्लाइन तो आ रही है, अच्छी खासी आ रही है इस समय पर। आशीष आपकी पिक क्या होगी? जैसा अनुज मेरे को लगता है मार्केट ने 19,400 के नीचे बाजार एक बार ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की अप्रोच रखना चाहिए। हालांकि पीएसयू बैंक जैसे हमने कहा बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट है, वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स पर भी डिप्स पे हमारी नजर रहेगी और एक पॉजिटिव बायस के साथ इनको देखेंगे, बट क्योंकि बाजार का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी वीक है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ ही या धीरे धीरे इनको एक्युमुलेट करना चाहिए, कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी इस समय करने की यहाँ पर चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ओके बिल्कुल, जल्दबाजी ना करें तो बेटर रहेगा, आप अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी ध्यान रखेंगे। प्रशांत जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? अनुज जी एचयूएल में मुझे एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, तो ये करीबन 2485 2490 के बीच ट्रेड कर रहा है, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2460 2460, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 2535 से लेके 2540 तक। वाकई इस वक्त ट्रेड लेना छोड़िए जनाब, यकीन मानिए बात करना मुश्किल हो रहा है, एक सब्सटेंशियल गैप डाउन, तर्क संगत यही होता है कि इस पर के बाद कुछ बात ना की जाए, शॉर्ट करने के लिए राय ना दी जाए, रिस्क अवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं होता, और स्लिप हो भी रहा है मार्केट, पिक करें तो क्या पिक करें। मानस की रणनीति अच्छी थी, शांत बैठो अभी। मानस कुछ सूझ रहा है आपको यहाँ पर, क्योंकि अब इस दौर का जो सेकेंड बेस्ट पुट राइटर था 19,400, आप उसके नीचे कंफर्टेबली सिंक हो रहे हैं, क्या व्यू है आपका इस वक्त? देखिए व्यू थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, शायद 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक 19,250 के आसपास के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी पे। अगर एक ट्रेड करंट लेवल्स पे लेना होगा तो आई थिंक रैमको सीमेंट को देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीब दो तीन दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा, एक छोटा सा करेक्शन देखा, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया रैमको ने, बट आज का जो मूव है उस पैटर्न को देख लग रहा है कि स्टॉक तैयार है रीसेंट हाई जो 940 है उसको ब्रीच करने के लिए, तो करंट लेवल्स पे रैमको सीमेंट में खरीदारी करने की राय रहेगी। 914 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 960 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके चलिए रैमको सीमेंट्स पर ध्यान रखेंगे। सचिन के पास एक ट्रेड आई है इस बीच में, सचिन। अनुज जी यहाँ पर इंडिया मार्ट में थोड़ा अच्छा डेटा नजर आ रहा है, हार्डली 15 मिनट्स में जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, एक अच्छा सपोर्ट है लगभग अराउंड 2850 के आसपास का, एंड पिछले तीन दिनों से इस पर्टिकुलर सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया। फिलहाल जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लेस्ड है मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी शायद शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर नजर आनी चाहिए, तो लगभग 2990 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह होगी इंडिया मार्ट के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगाए लगभग अराउंड 2875 का।
ओके अनुज, निफ्टी बैंक का आज का लो रहा वही जो कि 1 सितंबर की सितंबर सीरीज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।